दोस्तों अब वो घड़ी पहुंच चुकी है जिसकी हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों आप लोग हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपका दोस्त सुभाष और आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल शुभ प्रिडिक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी जो शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 इसकी जो मैच नंबर 1 होने वाला है श्रीलंका और नामिबिया के बीच में खेला जाएगा, इस वाली मैच में यार कौन सी टीम विन करने वाली है इस वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और दोस्तों इस मैच के रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। अब दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन टाइम के हिसाब से ये मैच 16 अक्टूबर 2022 सुबह 9:30 पे शुरू होने वाला है। दोस्तों इन दोनों टीम की लास्ट 5-5 T20 मैचेस की बात करेंगे तो यहां पे श्रीलंका ने 5 मैच खेल के 5 मैच में जीते हैं और यहां पे नामिबिया ने 5 मैच खेल के 4 मैच में विन किए हैं और 1 मैच में हारे हैं। दोस्तों ये मैच जहां पे खेला जाने वाला है वहां की पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो साइमन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि गेलोंग में स्थापित है। दोस्तों इस वाली मैदान में T20 और BBL मैचेस को मिला के टोटल 7 मैच खेले गए हैं। यहाँ पे 2 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम विन किए हैं तो और वहीं पे चेस करने वाली टीम 5 मैच में विन किए हैं। दोस्तों इस वाली मैदान की एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम की एवरेज स्कोर 165 देखने को मिला है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम की एवरेज स्कोर 161 देखने को मिला है। इस वाली मैदान की विकेट पैटर्न को देखें तो यहाँ पे टोटल 81 विकेट गिरे हैं। यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने 56 विकेट गिराए हैं तो और स्पिन गेंदबाजों ने 25 विकेट गिराए हैं। टॉस, सेशन, मैच विनर और भी कई सारे चीज आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ और दोस्तों यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं, दोनों ही टीम की कैप्टनों की कंपैरिजन करके आपको बता देता हूँ। यार यहाँ पे पहले बात करेंगे नामिबिया की तो इनके कैप्टन है गेरहार्ड एरास्मस। एरास्मस ने लास्ट 3 T20 मैच खेल के 93 रन बनाए हैं जबकि इनका स्ट्राइक रेट है 109.23 की और इनका एवरेज है 31। और दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका टीम की कैप्टन की बात करें तो इनके कैप्टन है दासुन सनका जो कि सनका ने लास्ट 3 T20 मैच खेल के 39 रन बनाए हैं। इनका स्ट्राइक रेट है 121.38 की और इनका एवरेज है 13। दोस्तों आप मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो कि हमारा नया नया वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच सके। अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हुए और दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले बात करेंगे श्रीलंका की प्लेइंग 11 की तो इनके ओपनिंग में आते हैं प्रथम निशंका के साथ कुशल मेंडिस आपको खेलते हुए नजर में आने वाले हैं। तीसरे नंबर पे धनंजय डी सिल्वा, 4 नंबर पे दानुष्का गोथलिका, 5 पे भानुका राजपखा, 6 पे दासुन सनका, 7 पे बनेंदु हसरंगा, 8 पे चमीरा करुणा रत्ने, 9 पे महेश दीक्षाना, 10 पे दुष्मंत चमेरा और 11 नंबर में दिलशान मधुशंका खेलते हुए आपको नजर में आने वाले हैं। अब दोस्तों नामिबिया टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके ओपनिंग में आते हैं मिचेल बेन के साथ डिबेन को खेलते हुए आपको नजर में आने वाले हैं। तीसरे नंबर में आते हैं निकोलेटन, चौथे नंबर में आते हैं गेरहार्ड इरास्मुस, 5वें नंबर में आते हैं जान फ्रेलिंग, 6 नंबर में आते हैं जेजे स्मिथ, 7वें नंबर में डेविड वेल्स, 8वें नंबर में स्टीफन बैट, 9 नंबर पे रूबेन ट्रुम्पेलमैन, 10 नंबर पे पिंकी फ्रेंड्स और 11 नंबर पे आते हैं टेंगेनी लुंगामेनी। दोस्तों ये सारे खिलाड़ी मैदान में खेलते हुए आपको नजर में आने वाले हैं। दोस्तों ये तो हो गए दोनों ही टीम की प्लेइंग 11। अब दोस्तों इन दोनों टीम की हेड टू हेड के बारे में बता देता हूँ। यार हेड टू हेड के हिसाब से इन दोनों टीम के बीच में एक ही मैच खेले गए हैं, उस वाली मैच को श्रीलंका ने विन कर लिए थे जबकि नामिबिया ने अभी तक 0 पे है। अब दोस्तों आखिरी में इस मैच को कौन सी टीम विन करने वाली है ये आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप सभी को इस मैच रिलेटेड सारे रिपोर्ट दे चुका हूँ। दोस्तों आप लोगों को लगता है कौन सी टीम विन करने वाली है कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस वाली मैच की विनर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स और सारे स्टेट्स को देखने के बाद श्रीलंका की टीम इस वाली मैच को विन करने वाली है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।